कांग्रेस का आज जयपुर सिविल लाइन पर सड़कों पर किसानों के समर्थन को लेकर प्रोटेस्ट है। हमारे साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली हैं। जूली जी, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है लगातार, लेकिन केंद्र सरकार है जो किसानों की मांग को लेकर अभी तक अड़ी हुई है। देखिए, ये इसको आप अर्धधर्मिता ही कह सकते हैं कि 50 दिन से ज़्यादा आंदोलन, सर्दी के अंदर किसान बैठा हुआ है, बरसात में किसान बैठा हुआ है, 60 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जायज मांगों के लिए बैठे हैं, और उन कानूनों को जिनके लिए किसी ने कहा नहीं, सिर्फ मोदी जी के मित्रों की वजह से वो कानून लागू करना चाह रहे हैं, तो सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। ये कृषि प्रधान देश है, जब कृषक की ही आप कमर तोड़ दोगे तो फिर इस देश में बचेगा क्या? लेकिन बीजेपी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो बिल लाए गए केंद्र सरकार की ओर से, ये किसानों के हित में है। लगातार बात को कहा जा रहा है किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद बिलों को वापस लेने की ओर एक भी कदम केंद्र सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। किस प्रकार से हित में है कि समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं करो? किस प्रकार हित में है कि आप भंडारण पे छूट हटा दो? किस प्रकार से हित में है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में वो उसको छुड़ाने की जो प्रक्रिया बड़ी पेचीदा है, तो ये किस प्रकार से हित में हमारी समझ से बाहर है? गांव ढाणी कांग्रेस गई, किसानों का समर्थन बात किया, आज राजभवन का घेरा हुआ है, आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे देखो, चाहे जो भी स्थितियां बने, कांग्रेस किसानों के साथ है। जहां भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर मोर्चे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और जिस तरह की भी लड़ाई हो, लड़नी पड़े, कांग्रेस लड़ेगी। आज सिविल लाइन्स फाटक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम कांग्रेस के नेता यहां प्रोटेस्ट मौजूद रहेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। सहयोगी रवि के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।